हेलो रिवान, वेलकम टू माई चैनल ट्रिपल पेटल। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आज की रीडिंग हो रही है, मतलब आज की या जो भी हो रही है करंट फीलिंग्स के लिए हो रही है। एनर्जी में क्या शिफ्ट आया, चेंज आया है, कुछ आया है या नहीं आया है, जो जानने की कोशिश करें, क्योंकि बगैर देखे तो मैं कुछ बोल नहीं सकती ना कि चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो और चेंज होता है ना, कभी कभी अचानक से भी हो जाता है, तो इसके लिए रीडिंग जरूरत होती है। तो लेट्स सी कि आज की एनर्जी क्या कहती है। प्लेन पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार, ओके। इंटरेस्टिंग है कि जैसे ही प्रेयर्स कंप्लीट हुई तो ड्रॉप गिर गया, जबकि खामोशी थी। तो मुझे ऐसा लगा ना, उम्मीद इनकी आने से ज़्यादा ना उम्मीद इनकी चेंज होने की है। सोच, समझ, बिहेवियर, बिलीफ, कुछ तो चेंज होने की एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा ना शांति है, लेकिन शांति में ना गहराई है, बहुत ज़्यादा गहराई है। कुछ नए तरीके से सोचते हैं, कुछ नए अप्रोच लेते हैं। पॉसिबल है ना कि आपने ना अपने आप को जैसे ना बंद रखा है, या तो आप ज़्यादा बात नहीं करते पहले की तरह, या तो आपने अपने डीपीज नहीं डाले हैं, या फिर इनका कांटेक्ट डिलीट होने की वजह से, या कहीं से आपके डीपीज और स्टोरीज है, आप एक्चुअली आप उनको दिख नहीं रहे हो, आप दिख नहीं रहे हो। और ये आपको देखने में जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। पहले तो ऐसा लगा कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, बट धीरे धीरे से ना फ़र्क ज़्यादा पड़ने लगा है। अचानक से जो एनर्जी है ना वो क्या बोलते हैं, स्पीड पकड़ने लगी है, एक इंटेंसिटी पकड़ने लगी है। वो वही है कि इन्होंने खामोश रह के देख लिया है, खामोश रह के देख लिया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये अभी ना उस निगेटिविटी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक बर्दाश्त की भी हद होती है, एक चीज़ होती है ना कि जैसे चलो ठीक है दूर रह लेते हैं, कितना दिन दूर रहेगी या रहेगा, या फिर किसी और को डेट कर लेते हैं, या कुछ भी, कितना भी कुछ करें, मिलने वाला कुछ है नहीं, या मिला कुछ है नहीं। स्पेशली ऐसा लगा मिला कुछ है नहीं, ये जो अपनी जिद पकड़ के, अकड़ पकड़ के, क्योंकि काफ़ी हद से ऐसा लग रहा है ना कि ये आपको अकड़ू समझ रहे हैं ये। और ये भी हैरानी है कि आप कब से अकड़ू होने लगे। आपको, आप तो इनके लिए पागल जैसे इंसान हो, आप तो इनके दीवाने हो, पागल हो, क्या हो, मतलब हर बार तो आप ही झुकते हो ना, तो इस बार तो आप आओगे ही। ये नहीं हुआ है, इस बार नहीं हुआ है, और बहुत केसेस में नहीं हुआ है आपकी तरफ से, मतलब नहीं हुआ है। कितना भी आप रोए धोए, लेकिन आपने नहीं, सामने से अप्रोच नहीं किया, नहीं किया है। इस बात की हैरानी है, शॉक लगा है लिटरली, बट यही शॉक कुछ चेंज लेके आए हैं। जैसे आपको प्यार तो करते हैं, आपको देखते रहते हैं, सब कुछ है, बट ठीक से ना, जैसे एक कहते ना, एक ध्यान से आपकी तरफ देखा ही नहीं, ध्यान से, जैसे आप क्या फील करते हैं ना वो कभी समझने की कोशिश नहीं की। आप बोल रहे हैं ठीक है, प्यार करते हैं, ये है, खुश, बुरा, सब कुछ, सब कुछ, सब सुनते तो है, लेकिन वो ध्यान नहीं है कि आपके अंदर कुछ दर्द छुपा हुआ है, कुछ तकलीफ हो रही है, आपको कुछ कहना है, आपको, आपको भी फीलिंग्स है, आपका भी मन करता है कुछ पर्टिकुलर टाइम पे बात करने का, लेकिन ऐसा लगता ना कि हर चीज़ इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन के जैसा ना, जब ये मन करेंगे, या इनको कन्वीनियंट टाइम, या इनकी आसपास का कन्वीनियंट टाइम हो, या जो भी है, वो उसके बेसिस पे ही शायद बातचीत भी होती है और मिलना भी।
आपके कदम ना जैसे पीछे पीछे हट रहे हैं, आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो, आप पीछे हट रहे हो, पीछे हट रहे हो। मतलब आपको ऐसा लगा कि शायद, मतलब कुछ लोग है ना दर्द के, दर्द से पीछे हट रहे, कदम पीछे हटा रहे, तो कुछ लोग है ना ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ठीक है कि अगर इतना ही है कि मेरा कुछ वजूद ही नहीं है, कुछ एहसास ही नहीं है, मेरा एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो ठीक है वही सही। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी, मतलब ऐसा लग रहा है कि या तो इस पर्सन के ऊपर जैसे सैटर्न इम्पैक्ट हो, लाइक नो शनि देव की जो कर्मों का असर, लाइक नो बुरे कर्म का असर वाला चीज़ या वो चीज़ हो, उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा निगेटिव हो रहे थे और लेज़ी हो रहे थे, जैसे कुछ करना नहीं है, बस ठीक है जैसे हो रहा है वैसे, और गलतियों पर गलती करे जा रहे हैं, गलतियों को सुधारने के बजाय गलतियों पर गलती करे जा रहे हैं। ऐसी एनर्जी है, ऐसी एनर्जी थी, अब चीज़ें बदल रही हैं, एटलीस्ट यूनिवर्स मौका तो दे रहा है बदलने का, और पता नहीं क्यों ये कितना भी कुछ करें ना नहीं समझ रहे थे, लेकिन एक जो बदल रहा है चीज़ है ना वो आपकी वजह से बदल रहा है। जैसे ही अपना साथ पीछे हटाया है, अपने कदम पीछे हटाया, अपना साथ पीछे हटाया है, अपना सपोर्ट पीछे हटाया, उनकी तरफ मिलने वाली जो ताकत है वो कहीं ना कहीं घट रही है। उन्हें ऐसा लगता है ना कि तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, क्या बिगड़ रहा है, क्या इतना के बिगड़ रहा है, सबके नसीब में तो तकलीफें हैं, मेरे भी है, उसमें क्या है, इतना क्या है, जो इतना क्या है ना उस बात का एहसास हो रहा है, इस बात का एहसास हो रहा है। कैसे लोग बदलते हैं, कैसे रिश्ते बदलते हैं, कैसे हालात बदलते हैं, बस एक सिचुएशन की वजह से, एक वो समझ में आ रहा है। ऐसा लगता है कल तक आप बचा रहे थे, आप बचा रहे थे, लेकिन अभी ये बच नहीं पा रहे हैं, ये सह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप एक ढाल बन के, एक प्रोटेक्शन बन के उनकी तरफ उनको प्रोटेक्ट करे थे, प्रोटेक्शन के प्रोटेक्ट करे थे। मुझे ना यहाँ पे चीता की एनर्जी नजर आ रही है, चीता कि अचानक से ये झटपटा सकते हैं। दूसरी चीज़ है मुझे फील हुआ डॉल्फिन, डॉल्फिन की एनर्जी है, अगेन अ वेरी पॉजिटिव चेंज कि जहाँ पे इंसान की इमोशंस ही प्योर हो रही है, इनोसेंस हो रही है, या तो फिर आपकी इनोसेंस को मिस किया जा रहा है। होता ही है, होता ही है। इस मतलब भरी दुनिया में जब पता चलता है ना कि इनोसेंस कितना मुश्किल है, कि जो ढूंढे से भी नहीं मिलता, ढूंढे से क्या, वो नसीब की बात हो जाती है। इनोसेंस बहुत बहुत बड़ी रेयर चीज़ हो गई भाई, इन्हें मिल गया था, इन्होंने कदर नहीं की, अभी खोने का डर बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। पॉसिबल है ना कि दोनों की इमेजिनेशन, दोनों के इमेजिनेशन में यूनियन है, भले कितना भी नाराज सही, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि ये सोच रहे हैं कि आप पहल करें और आप सोच रहे कि ये पहल करें, आपकी तरफ अपनी मजबूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, और इनकी तरफ अपनी जिद है, ईगो है। यहाँ पे अगेन बार बार ना दो कपल जो यहाँ पे दो एक दूसरे से जो मुड़ के लाइक नो एक दूसरे के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे थे, अचानक से ऐसा लगे जुड़ रहे हैं, और वही चीज़ दूसरी जगह भी आ रही है, डायरेक्शन मिल रही है। यहाँ पे अगेन मुझे सांप की एनर्जी फील हो रही है, सांप, स्नेक्स, हो सकता है कि आपको स्नेक्स दिख रहे हो या इन्हें सेक्स दिख रहे हैं सपने में। पॉसिबल है कि इनके आसपास के लोग हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा स्नेक बिहेवियर वाले, कि मतलब होने के लिए अपने हैं, बट हो सकता है कि कार्मिक आसपास हो, या फिर दोस्त है जो बहुत ज़्यादा मतलब जहरीले हैं, कि जिस तरह से दिख रहे हैं वैसे है नहीं, या तो कुछ ऐसा है कि मतलब कुछ दोस्त या कुछ ऐसे आसपास के लोग हैं ना वो सही नहीं है, और इसकी वजह से ये मतलब जैसे एक्शन लेना है, कुछ सोचना है, क्योंकि ये बात करते हैं,
तभी वो इंसान जैसे रुका देता है, निगेटिव कर देता है कि भाई जाने दो, आगे क्या होगा, वापस तुम उनसे हर्ट करोगे, या फिर वो उससे आना चाहिए, तुम क्यों जा रहे हो, उससे आना चाहिए। ऐसे कुछ एडवाइसेस दे रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा ना इसे निगेटिव काइंड ऑफ फीलिंग दे रहे हैं, निगेटिव काइंड ऑफ फीलिंग। इनिशियल मुझे यू दिख रहा है, प्रोमिनेंटली यू है, एंड वाई ओ आज मुझे पता नहीं कि इनिशियल ऐसे ना पर्टिकुलरली फील नहीं हो रहा है, बट वाई यू ओ ऐसे इनिशियल्स काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर कम्प्लीटली एकदम प्रोमिनेंट है। और नंबर्स में मुझे आज सेवन नंबर ही दिख रहा है, सेवन नंबर क्लियर एकदम सेवन बन के आया है अच्छे से। एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डीप है और काफ़ी ज़्यादा ना ट्रांसफॉर्मेशन वाली है, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन। इनकी सोच समझ कुछ तो बदल रही है, मतलब कहीं तो ख्यालात, कहीं तो सोच बदल रही है, या तो हालात नहीं, इनकी सोच बदल रही है, हालात से नहीं, ये सोच से बदल रहे हैं। सिक्स ऑफ वैंड्स Empress, the moon, the high priestess, wow, major arcana is here actually. See, hangman, मैंने कहा ना सोच बदल रही है, justice, great, page of swords, and ten of wands. फोर ऑफ कप्स काफ़ी ज़्यादा एक जो डिनाइल मोड है उससे गुजर चुके हैं, या फिर क्योंकि मुझे डिनाइल मोड है ना आपकी तरफ से दिख रहा है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो इनकी तरफ, और ये जो आपका ध्यान नहीं देना ना उससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा है, आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और किसी इमोशंस के बॉर्डर में है, स्पेशली उनकी मदर या फिर कोई उनकी घर में या रिश्ते में या फिर आसपास की एनर्जी में जो मदर फिगर है उनसे कोई रिलेटेड है, स्पेशली अगर रिलेशन्स है, यू नो वाइफ है या मदर है या फिर जो सिचुएशन है ना उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है हालात, या उनकी पॉसिबल है कि उनकी या तो तबीयत ख़राब है या तो कुछ ऐसा है कि जहाँ पे सिचुएशन है ना काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील हो रही है, इमोशन बर्डन खास करके, जैसे कोई इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा हो ऐसी एनर्जी है, या फिर कुछ तबीयत ठीक नहीं होने की ऐसी भी एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी भी फील कर रहे थे, लेकिन अचानक से फील हो रहा है कि शायद आपसे बात करके कुछ अच्छा लगे, क्योंकि जिस तरह से वो लाइफ को अभी तक फेस कर रहे थे ना वैसे फेस, मतलब लाइफ को जी नहीं पा रहे, उसको उसे के साथ लड़ नहीं पा रहे, अचानक से शायद कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन आई है, स्पेशली यहाँ मुझे ना फाइनेंशियल की एनर्जी नहीं नज़र आ रही है, मुझे रिश्तों की एनर्जी नज़र आ रही है, खास करके अपनों की एनर्जी नज़र आ रही है, जिससे वो हालातों का सामना नहीं कर पा रहे हैं, और आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। अगेन आपको फील होगा कि ये ज़रूरत के लिए आ रहे हैं, नहीं ज़रूरत नहीं, इनकी कुछ ऐसी एनर्जी ना कि जहाँ पे आपकी क्या बोलते हैं दहलीज पे आके खड़ा रहना, आपके सामने झुकना ही पड़ेगा, वैसी एनर्जी है, और हो ना हो ये कुछ तो है जो न्याय से गुजर रहे हैं, लीगल सिचुएशन हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड सिचुएशन है, अचानक से घर में पता नहीं कहीं से कुछ लीगल सिचुएशन आती है वो है, और ये जो दिखा रहे हैं ना कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, इनको आपसे प्यार नहीं है या आपका इंतज़ार नहीं है, ये कुछ है तो वैसा नहीं है, ये काफ़ी जो दिखा रहे हैं वैसे है नहीं, इनफैक्ट वो काफ़ी ज़्यादा अंदर से अंदर बहुत अकेला फील कर रहे हैं, और आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी की वो जो एक खास करके इमोशनल सपोर्ट है ना वो मिस कर रहे हैं, इनकी सोच समझ काफ़ी ज़्यादा बदल रही है, एक मतलब एक थोड़े वक्त पहले ऐसा सोच रहे थे कि क्या आप अकड़ू हो, अभी ऐसा लग रहा नहीं, उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं थोड़ी गलती इनकी, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा गलती इनकी थी, तो अभी इन्हें कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगाना पर्टिकुलरली नेक्स्ट
टू आवर्स में इनका कॉल या टू डेज में इनका कॉल मैसेज आ सकता है ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि कल न्यू मून भी है, तो डेफिनेटली एनर्जी पे बहुत गहरा असर पड़ सकता है, बहुत गहरा असर। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।